के खिलाफ कितने कितने केस नरेंद्र मोदी ने लगाए? एक भी नहीं। ना ईडी उनके पीछे है, ना सीबीआई उनके पीछे है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे है। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर केसीआर बीजेपी की पूरी मदद करते हैं। देखिए, आप बता रहे हो, बिल्कुल सही, केसीआर उनकी मदद करते हैं और बीजेपी इनकी मदद करते हैं। आप देखिए, मेरे ऊपर 24 घंटा आक्रमण चलता है, बीजेपी के सब नेता मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। मैं सुबह उठता हूं, अगर सारे के सारे बीजेपी के नेता मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करते तो मुझे मजा नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं आज कुछ कमी रह गई, थोड़ा और जोर से मुझे बोलना चाहिए, मगर केसीआर पे, उनके परिवार पे बीजेपी का कोई नेता आक्रमण नहीं करता। कोई केस नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, मिले हुए हैं दोनों। दूसरी तरफ एमआईएम है। आप पता लगाइए, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, चाहे वो आसाम हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए एमआईएम के लोग हर कंस्टिट्यूएंसी में अपने नेता खड़े कर देते, अपने कैंडिडेट खड़े कर देते। भाई और बहनों, दिल्ली में बीजेपी को हराना है, तेलंगाना में बीआरएस को हराना है, ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं, भूलिए मत। कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए, यहां पे लहर आ रही है, जैसे सुनामी आती है वैसे सुनामी कांग्रेस पार्टी की आने वाली है, और पहले यहां आएगी और फिर दिल्ली में आएगी। चीफ मिनिस्टर